मैं श्वेता रानी, मैं रूम टू रीड की वो ट्रेनिंग ली हुई हूँ और उससे भाषा विकास के लिए लोगों का बहुत अच्छा चल रहा है और ट्रेनिंग के बाद काफ़ी और एक्टिविटी और जो भी चीज़ है सब बच्चे बहुत उत्साह से सीखते करते हैं। और एक लाइब्रेरी जो हो गया है इससे बच्चे जो नहीं सोचते थे मतलब जिस उसमें नहीं जाते थे वो सारी सुविधाएं इनको मिलने लगी है। तो ये अपने आप कक्षा एक के बच्चे हमारे समझ जाइए पूरे के पूरे रहते हैं, पूरी उपस्थिति रहती है और बच्चे बहुत उत्साह से, हमें तो इसका इतना ज़्यादा वो मिला है, पढ़ा तो हम रहे हैं 2006 से लेकिन इस समय जो यहाँ के बच्चे एक्टिव हुए हैं और गार्जियन प्रतिदिन ले आते हैं और इससे ये बच्चे पढ़ते हैं बहुत इनको अच्छा। हमारे क्लास में तो करीब 50% के ऊपर बच्चे हैं जो आराम से किताब पढ़ लेते हैं, बाकी समझते हैं बेस मेन है केवल आने वाली उपस्थिति पूरी हो, तो वही जो ठहराव इससे ठहराव हुआ है। बात करें मैम की, हमेशा से ये बात रहती है चर्चा में कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में बहुत सर हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। नहीं, हम एक बात पूछना ये चाहते हैं कि इस रूम टू रीड से क्या फर्क पड़ रहा है, अब सरकारी स्कूल के बच्चे भी किस लेवल पर जा रहे हैं, सब कहां तक सहयोग कर रहा है? ज़्यादातर बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे, सहयोग तो इतना है कि बच्चों की संख्या देख के आपको पता चल जाएगी कि क्या इसका रिस्पांस हमको मिल रहा है, क्योंकि बच्चे जो कम आते थे वो बच्चे सोचिए हमारे कक्षा एक में 84 बच्चे हैं और लगभग 60 कितना भी कोई 30 त्यौहार भी पड़ता है तो भी 60-65 बच्चे आ ही जाते हैं और सब कहते हैं मैम लाइब्रेरी ले चलिए, मैम लाइब्रेरी ले चलिए, एक्टिविटी करते हैं, प्रोजेक्टर भी हो गया, इसलिए बच्चे बहुत बहुत उत्सुक हैं और गार्जियन भी, हम तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि मतलब हमारे स्कूल का बहुत, मुख्यमंत्री जी को कि हमारे स्कूल वो लोग बहुत ज़्यादा उन लोगों के आने से या गोद लेने से हमारे स्कूल में बहुत विकास हुआ है। हमारे तो लोग भी देखते हैं, जो हमारे रिलेटिव भी देखते हैं हम लोगों का प्रोग्राम या एक्टिविटी गतिविधियाँ, तो बोलते हैं अरे तुम्हारा प्राइमरी स्कूल है, इतना बढ़िया, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो कि मतलब अब ये कहा जा सकता है कि प्राइमरी स्कूल भी कहीं से कम नहीं है, कहीं से कम नहीं है, बस केवल यहाँ जागरूकता की जरूरत है। यदि यहाँ के गार्जियन जागरूक हो जाएं तो हमारा स्कूल कहीं से कमी नहीं है। हमारे टीचर भी सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत, स्कूल की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो सारे लोग उठाते हैं और एकदम जिम्मेदारी के साथ। रूम टू रीड हिंदुस्तान में 2003 से काम शुरू किया है, इस समय भारत के करीब 10 राज्यों में काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 2017 में काम शुरू किया गया है और इस समय हम 580 स्कूलों के साथ काम कर रहे हैं। वाराणसी ज़िले के 8 ब्लॉकों के लिए हमने कवर किया हुआ है और सारे ब्लॉकों को मिलाकर के 580 स्कूल्स हैं, जिनमें 80 स्कूल ऐसे हैं जिन्हें डेमो मॉडल पर दिया गया है। जैसा जो हमारा ये लाइब्रेरी है ये डेमो मॉडल पर है और डेमो मॉडल में हम बहुत सारा फर्नीचर और पुस्तकों की संख्या ज़्यादा होती है जो स्कूलों को प्रोवाइड करते हैं, साथ ही शिक्षकों के लिए बेहतर कार्य कर पाएँ, अच्छे से उसको समझ पाएँ, हम लोग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग स्कूल पे जाकर के, हमारा एक एक साथी लिटरेसी फैसिलिटेटर के नाम से डेजिग्नेट है जो स्कूलों में जाकर के शिक्षकों की ग्राउंड पर सपोर्ट करते हैं, हम लोग उनके साथ मिलकर काम करते हैं और वाकई में जब हम शिक्षकों से बात करते हैं तो हमको लगता है कि इसके बहुत ज़्यादा सकारात्मक और उन्नतशील हमको परिणाम प्राप्त होते हैं। शिक्षक अपने आप में अपने को अच्छा महसूस करते हैं, जैसा आपने जाना है अभी। तो रूम टू रीड कोशिश ये करता है कि हम बच्चों के लिए जो शिक्षा का माहौल उनके स्कूल में है वो उनके घर तक पहुँचे, घर तक शिक्षा जाए, उनके लिए हम किताब चेक इन चेकआउट के माध्यम से भेजते हैं, बच्चे स्वयं किताब ले जाते हैं, 1, 2, 3 जो उनकी इच्छा होती है शिक्षक बिना किसी जोर दबाव के उनको किताबें देते हैं, बच्चे घर ले जाते हैं अपने माता पिता के सामने पढ़ते हैं। इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिला है जो हमारे स्कूल शिक्षक साझा करते हैं। साथ ही साथ आसपास के बच्चे जो उनके यहाँ नहीं पढ़ते हैं वो भी किताबों को देखते हैं, उनको भी पढ़ने का मौका मिलता है। इस तरीके से हम रूम टू रीड के माध्यम से बच्चों को एक इंडिपेंडेंट रीडर, एक स्वतंत्र पाठक बनाने की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें, आपने कलर कोडिंग की बात की है, हाँ। कलर कोडिंग की, इसके पीछे कारण क्या है? कलर कोडिंग का मेन रीजन ये रहा है कि हमारे क्लास में जो बच्चे होते हैं सारे के सारे बच्चे एक सेम लेवल पे नहीं होते हैं, तो हमने क्लास वाइज कुछ डिसाइड नहीं किया है, हमने बच्चे को ओपन एटमोसफियर दिया है, वो अपने स्तर की किताब को पढ़ ले, तो हमने सबसे छोटा और सरल स्तर जिसे कहते हैं वो हरे रंग को बनाया है।
हरे रंग से जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे तो लाल रंग आएगा, जिसमें चित्रों की संख्या तो घट जाएगी, टेक्स्ट की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसे ही ऑरेंज में जाएंगे, चित्र थोड़े कम हो जाएंगे और रिटेन मटेरियल बढ़ जाएगा। तो हम छोटे से बड़े की ओर बढ़ते जाते हैं ताकि बच्चा बिना किसी परेशानी के अपने स्तर की किताब को चुन सके और बिना किसी असुविधा के उसे पढ़ता हुआ आगे बढ़ता चला जाए। अगर हम बात करें आपके रूम टू रीड की, तो रूम टू रीड एक नई पहल है जी के लिए या आपके यूपी के लिए? आपने कहा यूपी में 580 है और 580 वाराणसी जनपद में ही है जी जी। तो एक तो ये जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि सिर्फ वाराणसी जनपद में है, बाहर क्यों नहीं जी? दूसरा ये जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी वजह आई कि नहीं बनारस में इसको हमें लॉन्च करना है, क्या वजह रही इसकी? ये तो जो जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि हमें जब उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट स्टार्ट करना था, इससे पहले हमारा छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में चल रहा है हमारा, तो उत्तर प्रदेश जब हमने शुरू किया है प्रोजेक्ट, तो शुरू करने के लिए कौन से ऐसे रीजन्स रहे हमारे ऊपर की टीम के लोग जानेंगे, लेकिन ये अच्छा अवसर था कि हम उसे प्रधानमंत्री जी का जो क्षेत्र है वाराणसी वहीं से शुरू किया जाए। तो इस समय हमने जो 2017 में शुरुआत किया है 5 ब्लॉक लिए थे, 2018 में हमने बचे हुए 3 ब्लॉकों को कवर किया और 2019 का प्रोजेक्ट हम लोग लखनऊ में स्टार्ट कर रहे हैं कुछ स्कूलों के साथ। अभी सबसे ज़्यादा किस ब्लॉक में आपके स्कूल चल रहे हैं? सारे ब्लॉक्स में 10-10 स्कूल बराबर बटे हुए हैं, डेमो स्कूल्स। हाँ, बाकी जो काशी विद्यापीठ, पिंडरा और बड़ा गांव है, इनमें हमारे पार्टनरशिप स्कूल नहीं है, बाकी सारे ब्लॉकों में 125, 100, 115 इस तरीके से स्कूल लिए गए हैं। तो कुल 580 स्कूल हमारे पास इस समय हैं।